एक बार एक लड़का नंगे पैर गुब्बारे बेच रहा था। गर्मी की तेज धूप थी, पर लड़के के पाव में कोई चप्पल नहीं थी। चिलचिलाती धूप में वह नंगे पैर खड़ा था। तभी वहां से गुजरने वाले एक आदमी की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उस आदमी को उस पर दया आ गई। वह झट से पास की एक दुकान पर गया और एक चप्पल की जोड़ी लेकर आ गया। उसने उस लड़के को वो चप्पल की जोड़ी दी। चप्पले पाकर लड़का बहुत खुश हुआ। लड़के ने हाथ जोड़कर कहने लगा, आप भगवान हो ना? आदमी आश्चर्यचकित होकर बोला, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। लड़का बोलने लगा, नहीं, आप भगवान नहीं हो तो जरूर भगवान के दोस्त होंगे। भगवान ने आपको भेजा होगा, क्योंकि मैंने कल ही भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान धूप में मेरे पैर बहुत जलते, प्लीज मुझे चप्पल दो। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बच्चे की बात सुनकर आदमी की आंखों में आंसू थे। वह मुस्कुराता हुआ चला गया। जाते समय यही सोच रहा था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुदरत का तो नियम है। आप दुनिया में आए हो तो आपके सामने दो विकल्प है, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। छोड़कर जाने से अच्छा है अपने हाथों से देखकर जाओ। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ और जरूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक व शेयर भी कीजिए।